कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो को लेकर रायपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, रोड शो की सुरक्षा में पुलिस के 200 से ज्यादा अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 100 जवानों की टीम अलग से रहेगी, जो तकरीबन 5 किलोमीटर तक हर थोड़ी दूर पर तैनात रहेंगे। शहर के विभिन्न रूटों पर 4 बजे से डायवर्ट किया जा रहा है। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर राजधानी रायपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। इस वक्त हम रायपुर के राजीव गांधी चौक पर हैं, जहां से ये पूरा रोड शो जो है वो शुरू किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और मंच जो है वो यहां पर तैयार किया जा रहा है। रोड शो के दौरान अलग अलग राजधानी की सड़कों को जो है वो यहां पर डाइवर्ट किया गया है। शाम 4 बजे से इन सड़कों को डाइवर्ट किया जाएगा और अलग अलग रास्ते जो है वो यहां पर बंद कर दिए जाएंगे। शास्त्री चौक से कालीबाड़ी की ओर जाने वाली सड़क को राजभवन की ओर से महिला थाना होते हुए डाइवर्ट किया गया है। वहीं सिविल लाइन, ओसीएम चौक, बैनाथपारा वाली जाने वाली सड़कों को पूरी तरीके से यहां पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कालीबाड़ी से शास्त्री चौक जाने वाली सड़कों को भी महिला थाने की ओर से डाइवर्ट किया गया है। साथ ही सदर बाजार और आजाद चौक पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो बुढ़ा पारा सपने शाला से जो है वो सीधे डाइवर्ट की गई है। कुल मिलाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इस पूरे रोड शो करीब 5 किलोमीटर तक का ये रोड शो जो है वो बताया जा रहा है। 5 किलोमीटर के इस रोड शो में 100 से ज्यादा ट्रैफिक के जवान तैनात रहने वाले हैं। वहीं 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी जो है वो तैनात रहेंगे। साथ ही अलग अलग जिलों से पुलिस का सुरक्षा बल बुलाया गया, जिसमें एडिशनल एसपी, एसएसपी, एसएसपी जैसे अधिकारी जो है वो सुरक्षा में लगाए जाएंगे। और स्टेज भी जो है वो यहाँ पर लगभग बनकर के तैयार हो गया है। अलग अलग सुरक्षाकर्मी ड्रोन से भी यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी निगरानी रखने वाले हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी जो है यहाँ पर जो रूट है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे जो रोड शो है वो आगे जाते जाएगा, पीछे की सड़कों को जो है ट्रैफिक के पुलिस के अधिकारियों द्वारा उन्हें खोला जाएगा और आगे की सड़कों को बंद किया जाएगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के पहले कांग्रेस का चुनावी प्रचार जोर शोर से जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायपुर में रोड शो करेंगी। शाम 6 बजे से राजीव गांधी चौक से रोड शो की शुरुआत होगी। कोतवाली चौक, सदर बाजार, सतीपारा, सती बाजार, अमापारा से होकर स्टेशन चौक में रोड शो का समापन होगा। रोड शो की तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े ने। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज राजधानी रायपुर में रोड शो करेंगी और इस रोड शो को लेकर जो रथ है वो तैयार कर लिया गया। देख सकते हैं ये दो रथ तैयार किए गए हैं, जिसमें एक रथ में प्रियंका गांधी जो है सवार होकर राजधानी की सड़कों पर जो है रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, रायपुर जिले के 7 विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगी। तो उनके रोड शो को लेकर तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। राजीव गांधी चौक से रोड शो शुरू होगा, जो कोतवाली, सदर बाजार, सत्ती बाजार, अम्बापारा होते हुए स्टेशन रोड में जो है स्टेशन चौक में रोड शो का समापन होगा। और इस रोड शो में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और पीसीसी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और रोड शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। लिहाजा जो है रोड शो को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कैमरामैन इकराम कुरैसी के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH News रायपुर।